गुरुग्राम के बाद पानीपत प्रदूषण के मामले में हरियाणा में नंबर वन बन चुका है। लगातार पानीपत में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर आम जनता काफ़ी परेशान नजर आ रही है। सबसे अधिक प्रदूषण ऑटो व बसों में निकलने वाले काले धुएं से बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग ने इसे नियंत्रित करने के लिए पानीपत के उपायुक्त को 18 विभागों की लिस्ट देखकर नियंत्रित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानता कि पानीपत में आपको पता है कि टेक्सटाइल की हब है, इतनी इंडस्ट्री है आसपास में, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक इतना है, गॉगल्स लगा के रखा हुआ है, तो एक तकलीफ हो रही है। तकलीफ स्किन की एलर्जी हो जाती है, डॉक्टरों के इतने इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर करके चलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर इस एरिया में, तो खासकर दिल्ली रोड पर जब आते हैं हमारे एरिया में, आप यमुना के लिए उधर चलते फिर भी खुला एरिया है, थोड़ा वेरिएशन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हम हैंकी मान के चलते हैं। पॉल्यूशन है, इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा जाती है मुंह में, नाक में, उस वजह से मेरे को खांसी भी हो रखी है ना अभी, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वही जैसे एक्टिवा चलाते हुए मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, तो मुंह में भी जाती है, नाक में भी जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों जब एक्टिवा चलाते हो तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, तो वो आँखों में जाती है, मुँह में जाती है, तो आँखों में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है और खांसी वगैरह भी हो जाती है उससे, और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। कि हमने पूरा एक गहन अभियान चला रखा है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ इलीगल या प्रतिबंधित फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं, उनका हमने चेकिंग की है, उनके चलान किए हैं, क्लोजर नोटिसेस भी दिए हैं और क्लोज भी किया है, नंबर वन। नंबर टू, वाहनों का जो प्रदूषण के नॉर्म्स को नहीं निभा रहे हैं उनका भी विस्तृत चलानिंग जारी है। नंबर तीन, स्टबल बर्निंग के अभी तक हमारे यहाँ कोई केस नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि ये दिन ऐसे हैं, इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हमने हर लेवल पे किसानों के साथ चर्चा करके उनको स्टबल बर्निंग के दुष्प्रभावों के प्रति चेताया है और सख्ती भी की हुई है। जहां हम उनको एजुकेट करके इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहां हम पूरी तरह से पाबंद हैं कि ऐसा ना हो, और अगर कोई करता है तो उनका चलान भी किया जाए, उनके खिलाफ FIR भी की जाएगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को नोटिस भेजा है, जो 3 डंपिंग हाउस है वहाँ से पोल्यूशन बहुत हो रहा, उस पर क्या हुआ? जहाँ क्योंकि ये गार्बेज को जलाना सबसे बड़ा जो है वो प्रदूषण का कारण होता है, तो जहाँ भी ऐसी हमें शिकायत मिल रही है, नगर निगम को चेताया भी गया है, पीछे हमारी एक मीटिंग भी हुई थी तो उसमें भी ये बात निकल कर के आई थी, तो गार्बेज को जलाना जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं जलना चाहिए। ऑटो से बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, तो लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि वाहनों का प्रदूषण तो मतलब सबसे बड़ा, जो खास करके शहर के अंदरूनी इलाके में, तो ये सबसे बड़ा कारण है ही, और जितना भी हो सकता है कि हम चलान वगैरह कर रहे हैं उसके प्रयास कर रहे हैं। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।